सब्सक्राइब कीजिए WWE न्यूज हिंदी चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और WWE की अपडेट्स पाएं सबसे पहले। तो दोस्तों कैसे हैं आप? WWE और US मिलिट्री का अब तक काफ़ी गहरा संबंध रहा है। विंस मैकमैन हमेशा से मिलिट्री को सपोर्ट करते आए हैं। WWE यूनिवर्स जानती हैं कि WWE कैसे उनके सोल्जर्स की इज्जत करते हैं। आज हम बात करेंगे उन प्रोफेशनल रेसलर्स की जो मिलिट्री का हिस्सा भी रहे। केविन नैश, ये डीजल के पूर्व सदस्य रहे थे। केविन नैश कुछ समय तक US आर्मी का हिस्सा रहे और उन्हें विदेशी नाटो में भी जगह मिली, लेकिन वो बाद में मिलिट्री को छोड़कर प्रोफेशनल रेसलर बन गए। बॉबी लेशले ने WWE के अलावा MMA और TNA में भी काफ़ी नाम कमाया। लेशले ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद US आर्मी को ज्वाइन किया और वहाँ भी रेसलिंग करना जारी रखा। उन्होंने 2003 में ओलंपिक में हिस्सा लेने का प्रयास भी किया, परंतु चोट के कारण वे हिस्सा नहीं ले पाए। जेब कॉल्टर ने US के लिए वियतनाम वॉर में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने US में आकर प्रोफेशनल रेसलिंग में जाने से पहले एक साल वियतनाम में बिताया था। रोड डॉग, रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करने वाले रोड डॉग हॉल ऑफ फेमर बॉब आर्मस्ट्रांग के बेटे हैं। इन्होंने 1986 में प्रोफेशनल रेसलिंग में डेब्यू किया था, जिसके बाद US मरीन कॉर्प्स ज्वाइन किया, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से रेसलिंग में वापसी की। रैंडी ओर्टन, द वाइपर रैंडी ओर्टन ने WWE को ज्वाइन करने से पहले US मरीन कॉर्प्स का हिस्सा बने। वहाँ उनका काफ़ी बुरा समय रहा और बिना बताए छुट्टी लेने के कारण उनका कोर्ट मार्शल कर दिया। इसके बाद उन्होंने WWE ज्वाइन की और वहाँ पर शानदार काम किया। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।